Hello everyone, this is Ashish Ranjan, Senior Faculty of Mathematics, right? आज हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन जो कि IIT JEE में 1983 में पूछा गया है। जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये क्वेश्चन बोलता है if x satisfies x-1 का मॉडुलस प्लस x-2 का मॉडुलस प्लस x-3 का मॉडुलस greater than equal to 6, then the following options are given, right? और हमें इसमें ये चूज करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है, राइट? अब हम लोग यहाँ पे जब देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले लेट कर लेता हूं एफ एक्स, राइट? कितना x-1 प्लस x-2 का मॉडुलस प्लस x-3 का मॉडुलस, राइट? और क्वेश्चन से जब आप बातें करोगे, जब आप इस चीज को देख रहे होंगे यहां पे x-1 का मॉडुलस प्लस x-2 का मॉडुलस प्लस x-3 का मॉडुलस, करेक्ट? तो सबसे पहले इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा पहला काम होता है क्रिटिकल पॉइंट्स, करेक्ट? हाउ टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। जब आप इस चीज को देखोगे तो मॉडुलस के अंदर वाले को जीरो से इक्वेट कीजिए। जब आप इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो यहां पे x-1 इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड x-2 इक्वल टू जीरो एंड x-3 इक्वल टू जीरो, करेक्ट? अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 1 मिल जाएगा, यहां क्या मिलेगा x इक्वल टू 2 मिल जाएगा, यहां पे क्या मिलेगा x इक्वल टू 3 मिल जाएगा। जैसे ही आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हो तो उसके बाद सबसे पहला काम होता है नंबर लाइन को बनाना, राइट? जब आप नंबर लाइन बनाने जाओगे तो यहां पे आप इसे अरेंज कर दीजिए। तो ये सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, करेक्ट? जब आप इस चीज को देख रहे होगे तो यहां पे कितने इंटरवल्स में ये डिवाइड हो गया, तो आप जब देखोगे तो ये 4 इंटरवल्स में डिवाइड हो गया, करेक्ट? ये फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ इंटरवल। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट केसेस बनाएंगे, राइट? सबसे पहले केस नंबर 1 लेंगे, राइट? केस नंबर 1 में जैसे इफ एक्स क्या करोगे, 1 से छोटा लोगे। जब आप एक्स 1 से छोटा लीजिएगा तो आप देखो ये वाला इंटरवल ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में आ रहा है। कहां पे आ रहा है? लेफ्ट में। इसके कारण से ये तीनों मॉडुलस फंक्शन किससे ओपन होगा? माइनस के साथ ओपन होगा। तो माइनस के साथ जब ओपन करोगे तो यहां पे ये 1-x हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 2-x होगा, और ये वाला कितना होगा 3-x होगा, और ग्रेटर एंड इक्वल टू 6 हो जाएगा। जब आप इसे देखोगे तो ये -3x हो गया, 3 to 5 + 1 6 हो गया, ग्रेटर एंड इक्वल टू 6। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका -3x हो गया, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब इसको जब डिवाइड करोगे, नेगेटिव से आप डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आप जब इस चीज को देख रहे होगे कि सर हमने केसेस क्या लिए थे, फर्स्ट में x छोटा होना चाहिए किससे, 1 से, और यहां पे सॉल्यूशन क्या आया है, 0 से छोटा। तो जब आप इस चीज को कंबाइन करना चाहोगे ये दोनों सॉल्यूशन को, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जैसे ये आपका एक तो 0 है, दूसरा आपका 1 है, ये आपका बोलता है कि 1 से छोटा, तो 1 से छोटा आप इधर आओगे, ये क्या बोलता है 0, नहीं तो 0 से छोटा। अब देखो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन जब निकालिएगा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा किससे छोटा, 0 से छोटा, राइट? और इसे आप क्या बोल दोगे, इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट? अब इसके बाद हम देखेंगे केस नंबर 2, राइट? जब आप केस नंबर 2 की बात करोगे तो आपको इंटरवल कहां से कहां लेनी है, 1 से 2, और आप जब बातें करोगे 1 के इंक्लूड करने का, तो आपने पिछले इंटरवल पे 1 को क्या इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए नेक्स्ट इंटरवल में उसे हम इंक्लूड करेंगे, राइट? तो यहां पे ये क्या होगा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। अब देखिए ये इंटरवल इसके राइट में आ रहा है, 1 के राइट में, तो ये किसके साथ ओपन होगा, प्लस के साथ ओपन होगा, यहां पे x-1
और ये 2 और 3 के लेफ्ट में है, इसलिए दोनों नेगेटिव से ओपन होगा, तो दिस विल बी 2 माइनस एक्स एंड दिस विल बी 3 माइनस एक्स, राइट, एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 6 हो जाएगा। जब आप इसे देखोगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 3 टू 5, 5 माइनस 1 कितना, 5 माइनस 1 4, राइट। अब ये कितना हो गया, 4 माइनस एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 6, इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 माइनस एक्स, और ये क्या आ गया, 2। अब ये कितना हो गया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स्ड। अब देखो ये बोलता है 1 से 2 के बीच में हमारा सॉल्यूशन आना चाहिए, और ये आपका क्या रहा है, माइनस 2 से छोटा, तो ये दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन होगा क्या, कभी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। इस केस का आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अब हम लोग बातें करेंगे केस नंबर 3 का, राइट। तो केस नंबर 3 में जब आप जाओगे तो यहां पे ये कहां से कहां वैरी करेगा, 2 से लेकर के 3 तक, राइट। तो 2 से लेकर 3 तक इस इंटरवल की बात कर रहे हो, तो ये 1 और 2 के कहां पे है, राइट साइड में, राइट। तो ये किसके साथ ओपन होगा, प्लस के साथ, ये किसके साथ ओपन होगा, प्लस के साथ, तो ये आपका x माइनस 1, x माइनस 2, और ये 3 के लेफ्ट में है, तो ये किसके साथ, माइनस के साथ, तो ये आपका 3 माइनस 6 हो गया, ग्रेटर एंड इक्वल टू 6। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये माइनस ये मिल करके इसे कट कर देगा, ये कितना हो जाएगा, दिस इज x ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या, 6 आ गया, x ग्रेटर एंड इक्वल टू 6 आ गया, करेक्ट। जब आप इसको देखोगे और इसे देखो तो ये अपना क्या बोलता है, 2 से लेके 3 के बीच में ये क्या बोलता है, 6 नहीं तो 6 से बड़ा, तो ये दोनों इंटरवल में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, जिसके कारण से आप बोल सकते हो कि सर इस केस का सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, राइट। अब हम लोग बातें करेंगे केस नंबर 4 का, केस नंबर 4 में, राइट, केस नंबर 4 में आप 3 नहीं तो 3 से बड़ा लोगे, इफ x ग्रेटर एंड इक्वल टू 3। जब आप इस केस को देखोगे तो ये इंटरवल क्या है, ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में आ रहा है, तो ये तीनों किसके साथ ओपन होगा, प्लस के साथ, तो ये आपका x माइनस 1 प्लस कितना, x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 ग्रेटर एंड इक्वल टू 6। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 3x हो जाएगा, माइनस कितना, 6 ग्रेटर एंड इक्वल टू 6। अब जब देखोगे तो 3x, 6 प्लस 6 कितना, 12। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आ गया, 4 से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। अब देखिए इस वाले और इस वाले को जब आप इंटरसेक्शन लेने जाओगे तो सबसे पहले 3 ले लो फिर 4। अब ये बोलता है 3 और उससे बड़ा, तो इस साइड में आ जाइए, ये 3 4 और उससे बड़ा, तो इस साइड में आप देखोगे तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आ जाएगा कि सर ये जब कॉमन सॉल्यूशन देखोगे तो ये 4 नहीं तो 4 से बड़ा हो जाएगा, ये आपका क्या आ गया, सेकंड सॉल्यूशन, राइट। अब क्या करते हो कि एक ही प्रॉब्लम के कितने केसेस बने, 4 केसेस, तो 4 केसेस में केस नंबर 1 में सॉल्यूशन आया था और केस नंबर 4th में आया था, राइट, केस नंबर 1 एंड 4th में सॉल्यूशन आया था, तो अब हम उसे कंबाइन करेंगे, तो यहां पे कंबाइनिंग इक्वेशन ए एंड बी, राइट, जब ए और बी को कंबाइन करोगे तो हमारा पहला आंसर आया था 0 से छोटा, राइट, और ये वाला कितना आ गया, 4 से बड़ा, तो राइट। और जब आप इसे इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो ये बोलता है इससे छोटा, तो माइनस इनफिनिटी से 0 यूनियन 4 और उससे बड़ा, तो इंटरवल के फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हो, राइट। जब आपने पूरी प्रॉब्लम को देखे तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 से 5 मिनट आपको लग गए होंगे सॉल्व करने में, राइट। अब हम लोग बातें करेंगे कि इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हम स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट मेथड देखना, राइट। तो शॉर्टकट मेथड में एक काम करता हूं, ये दिए गए फंक्शन को हम fx लेट कर लेते हैं, लेट fx इक्वल टू x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस x माइनस 2 का मॉडुलस प्लस x माइनस 3 का मॉडुलस, करेक्ट। अब इसके बाद इसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको पता है कि मॉडुलस के अंदर वाले को 0 से इक्वेट करोगे, तो यहां x की वैल्यू 1
2 और क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, करेक्ट। अब हमारा शॉर्टकट मेथड ऐसा बोलता है कि जो भी आपके क्या आ रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, उस क्रिटिकल पॉइंट को आप ग्राफ के ऊपर शो कर लीजिए। तो ये 1 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, ये आपका 3 आ गया, राइट। अब ये शॉर्टकट रूल ऐसा बोलता है कि आप सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, राइट। फिर उसके बाद जैसे ये 1 है तो 1 के लेफ्ट में कोई वैल्यू लो और 3 के राइट में कोई वैल्यू ले लो, राइट। इसका कहने का मतलब छोटे क्रिटिकल पॉइंट की और बड़े क्रिटिकल पॉइंट के वैल्यू के राइट में और छोटे वाले के लेफ्ट के कोई भी वैल्यू को लेकर के आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, करेक्ट। अब यहां पे जैसे f ऑफ 1 हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का मॉडुलस क्या होगा 1, 1 माइनस 3 कितना माइनस 2, माइनस 2 का मॉडुलस कितना 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 कितना होगा 3। अब यहां से जो पॉइंट आ गया वो 1 कॉमा 3 आ गया। उसके बाद जब आप f ऑफ 2 कैलकुलेट करोगे तो ये 2 माइनस 1 होगा, दैट विल बी 1, 2 माइनस 2 विल बी 0 और 2 माइनस 3 विल बी माइनस 1 और उसका मॉडुलस लोगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 कितना 2, अब ये पॉइंट क्या आ गया 2 कॉमा 2। उसके बाद आप f ऑफ 3 पे निकालोगे, f ऑफ 3 पे 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2 का मॉडुलस 2, 3 माइनस 2 कितना 1, मॉडुलस क्या होगा 1 और वो पार्ट 0 हो जाएगा, ये कितना आ गया 3। तो ये वाला पॉइंट जो आपका आ गया वो 3 कॉमा 3 आ गया, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, f ऑफ 4 कैलकुलेट करो, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, राइट। 4 माइनस 2 2, 2 का मॉडुलस कितना 2 और 4 माइनस 3 कितना 1, राइट। ये कितना आ गया 3 प्लस 2 1 5, 5 प्लस 1 6, राइट। ये पॉइंट कितना आ गया आपका 4 कॉमा 6, राइट। अब इसके बाद आप क्या करो, कितना निकाल लीजिए f ऑफ 0 कैलकुलेट कर लो। इसके लेफ्ट में सबसे प्यारा सा नंबर आता है 0, तो f ऑफ 0 कैलकुलेट करो, तो माइनस 0 माइनस 1 कितना माइनस 1, मॉडुलस क्या होगा 1, ये माइनस 0 माइनस 2 माइनस 2, मॉडुलस क्या होगा 2, तो ये 1 प्लस 2 और ये 0 माइनस 3, माइनस 3 का मॉडुलस 3, तो ये कितना हो गया 6। अब आप जो पॉइंट आ गया वो 0.6 आ गया, करेक्ट। अब इस चीज को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले 0.6, राइट। तो 0.66 मैं यहां पे ले लेता हूं, करेक्ट। तो जब आप इस चीज को करने जाइएगा तो 0.6 एक पॉइंट यहां पे आ गया, इस पॉइंट को मार्क कर दो, तो ये 0.6 हो गया। फिर 1.3, राइट, यहां पे 3 को प्लॉट कर देता हूं, ये आपका क्या हो गया 1.3 हो गया, राइट। 2.2, राइट, कुछ इस तरीके से पॉइंट आएगा, तो ये आपका 2.2। उसके बाद 3.3, इसी को आगे बढ़ा दीजिए, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3.3। उसके बाद 4.6, राइट, 4.6 हमने, अब आपने क्या किया, सारे पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिए। तो अब हम लोग इस चीज को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। सिर्फ देखो, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दो ऐसा, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दो ऐसा, उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दो, करेक्ट। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो गया, राइट। फिर आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो कुछ इस तरीके से आ गया ऐसा, राइट। तो ये आपका ग्राफ इस टाइप से प्लॉट हो गया, करेक्ट। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, fx, ये जो आपने ग्राफ प्लॉट किया वो किसकी ग्राफ हुआ, fx का। अब यहां पे ये बोलता है fx किससे बड़ा होना चाहिए, 6 नहीं तो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो आप एक काम करो, यहां पे y इक्वल टू 6 का एक लाइन बना दो, ठीक है। तो ये आपका y इक्वल टू 6 हो गया, करेक्ट। अब देखो ये बोलता है 6 नहीं तो 6 से बड़ा, तो आपका जो रिक्वायर्ड ग्राफ होगा वो ये वाला पार्ट होगा, राइट, ये वाला, राइट। अब इसके करस्पोंडिंग आप देखो तो x की वैल्यू क्या आ रहा है, तो आपका x ये वाला आ रहा है और इसके करस्पोंडिंग x की वैल्यू ये आ रहा है। तो आप ग्राफ को देख करके ऐसा बोल सकते हो कि सर हमारा सॉल्यूशन 0 से छोटा नहीं तो फिर 4 से बड़ा होगा, करेक्ट, राइट।
अब इसके बाद देखिए, अब हम आपने देखा कि ये ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आपसे 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट। अब देखिए इसी क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे ये भी वो पूछ सकते थे क्वेश्चन में कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, राइट, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो अब देखो इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, राइट, और वो किस पॉइंट पे आएगा, 2 पे आएगा, करेक्ट। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछ सकते थे, ये fx दे देते, राइट, क्वेश्चन में ऐसा दे देता कि fx इक्वल टू x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस x माइनस 2 का मॉडुलस प्लस x माइनस 3 का मॉडुलस, और आपसे पूछते कि फाइंड द वैल्यू ऑफ fx व्हेन इट हैज टू सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशंस। तो आप ग्राफ प्लॉट करो, देखो कहां से कहां दो सॉल्यूशन सिर्फ मिलेंगे, ये देखो ऐसा, राइट। अब आपसे आपको दिख रहा होगा कि सर ये 2 से ऊपर जाने के बाद वो बातें पॉसिबल हो सकता है, ठीक। अब अगर आपसे बोले कि fx का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो 2 से नीचे आ जाओ, तो रिक्वायर्ड ग्राफ का के साथ कभी भी इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है, राइट। तो आप सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को देख करके आप उसे ये देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और उसके बाद आपको जो आता है उस कॉन्सेप्ट को कैसे उस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करें, राइट। तो हमने इस वीडियो में दो चीजें देखा, एक तो इलस्ट्रेटिव मेथड जिसे आप डिटेल्ड सॉल्यूशन बोल सकते हो, और दूसरा हमने क्या देखा, शॉर्टकट मेथड। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।